हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? देखो, पिछली क्लास में इस चैप्टर की हमने शुरुआत की थी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। आपको याद होगा जब हमने पिछली क्लास में इसको स्टडी किया था तो मैंने आपको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में बताया था। आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा रिविजन करा दूँ, फिर क्लास को आज आगे बढ़ाता हूँ। जब हमने कहा था कि आप गेनिंग रेशियो निकालो, गेनिंग रेशियो, तो एक्चुअली हम लोगों ने क्या किया था, गेनिंग में गेन यानी कि पहले और अब। गेनिंग तब होगा जब ये आपका बड़ा अमाउंट होगा, यानी कि रेशियो बन गया था न्यू माइनस ओल्ड। जब हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात की थी आपसे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो देखो सेक्रीफाइसिंग सेक्रीफाइस तब करूँगा जब ये बड़ा है, यानी कि रेशियो बन गया था ओल्ड माइनस न्यू। ये बात हमने पिछली क्लास में आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया था, हमने चार पांच क्वेश्चन भी इसके ऊपर में किए थे। मगर बच्चे, आज मैं इन्हीं सारी बातों को आपको बताऊंगा, इन्हीं सब बातों को हम समझेंगे, लेकिन आज हमारा काम दोबारा वही होगा, हम रटेंगे नहीं, हमें रटना नहीं मेरे बच्चे। मैं ना अब कॉन्सेप्ट को मोल्ड करूँगा। कॉन्सेप्ट जब मोल्ड होते हैं ना तो आपको बातें समझ में आती हैं, अगर आपने नहीं रटा है तो। अगर आप इसको रटेंगे तो परेशानी बढ़ेगी। आओ जरा मैं आपको कुछ बताऊं इसके आगे, आज का मैं कुछ आपको बता रहा हूं, आप लिखना बंद करेंगे, लिखना बंद करेंगे। मैं यहां कुछ लिख रहा हूं अपने लिए। मान लो पार्टनर्स जो हैं, या छोड़ो पार्टनर्स की बात क्या करें, मैं आपके घर की बात कर लेता हूँ। मान लो आपके घर में आपके जो ब्रदर हैं, भाई, ब्रदर कह दो, सिस्टर कह दो, ब्रदर या सिस्टर कुछ भी, है ना, दोनों में से कोई भी हो, मान लो तीन लोग हैं, ए बी एंड सी। हमारे पापा ने क्या किया, हमारे पापा ने क्या किया मैं आपको बताऊं, इनको बोले कि भैया आप एक काम करो, आप ना आप ले लो, मतलब ये हमेशा मैं ऐसे दिमाग से निकालूं ताकि बातें क्लियर हो जाएं। हमारे पापा ने क्या किया कि मेरे बच्चे ओल्ड को हटाओ, छोड़ो आपका, छोड़ो छोड़ो, पापा ने क्या किया, अपने पॉकेट से पैसे निकाले। ये पापा का, मान लो ये पॉकेट है, ये पॉकेट है आपका, और इसमें से पैसे निकाले, आपको 40 रुपीज ए को, इनको 60 रुपीज, और इनको क्या किया आपका, मान लो 50 रुपीज दे दिया। मतलब जितना पैसा था पॉकेट में, टोटल पैसा इनके पॉकेट में 150 था मेरे बच्चे, 150 रुपये जो था ना वो तीनों में क्या किया, डिवाइड कर दे दिया पापा ने। इनको 40 रुपीज, इनको 60, इनको 50, तीनों का डिवाइड हो गया। अब होता क्या है इसके बाद, इसके बाद कि अब मतलब ये जो है ना, ये जो है मिस्टर ए, मतलब ये बेटा, बेटा नंबर ए कर दूं मैं, बेटा ये है, बेटा ए, और मान लो ये बेटी आपका बी, और ये भी मान लो बेटी सी। मुझे बेटी ज़्यादा अच्छी लगती है, मेरी बेटी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी, उसको जो बोलता हूँ वो कभी ना नहीं कहती, सब कुछ मैं हाँ पापा, तो मुझे उससे बहुत प्यार है। मुझे बेटे भी प्यारे हैं, मेरा एक छोटा बेटा भी है 1 साल के करीब का, और बेटी मेरी 6 साल की है, मुझे दोनों से प्यार है। बेटी बड़ी है, ज़्यादा प्यार है, इसलिए बेटी की ज़्यादा बात करूँगा। ये मेरी 2 बेटियाँ हैं, मान लो ऐसे मेरी एक ही बेटी है, बट मैं समझा रहा हूँ। मान लो मैं पापा, ये बेटा ए, बेटा बेटी बी और बेटी सी आपका, मेरी बात सुनो ध्यान से। ये जो बेटा है ना, ये बदमाश, जब मैंने इसको 40 रुपये दिया तो ये रोने लगा, रोने लगा कि आपने हमारी जो बहनें हैं उनको 60 रुपये 50 रुपये दिया, 60-50, और हमें 40 रुपीज, और रोने लगा, बोला कि ना मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, रोने लगा मेरे बच्चे, बहुत रोया, बहुत रोया। एक्चुअली क्या था कि मेरे पॉकेट में जितना भी था वो मैं इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ, और ये बदमाश जो मेरा बेटा है ना, ये अब मुझ पर बहुत रो रहा है, बहुत गुस्सा कर रहा है कि मुझे 40 रुपीज आपने क्यों दिया, क्यों दिया, क्या दिया, ये मैं इतना इनको दे चुका हूँ, मतलब पहले ओल्ड में इतना ऐसा हो चुका है, हो चुका मेरे बच्चे। अब मैं क्या करूँ, मैं इसको कैसे शांत करूँ, तो मैंने अपनी प्यारी बेटी को बोला कि बेटी एक काम करो, जो 60 रुपीज आपके पास है ना, आप इसमें से 10 रुपीज दे दो बेटे को, मतलब भाई को। मैंने अपनी बेटी को बोला कि बेटे एक काम करो, आप अपने 60 में से 10 रुपीज ना इनको दे दो। तो पता है मेरी बेटी ने क्या किया, बोले ठीक है पापा मैं दे देती हूँ, मतलब वो बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। उसने क्या किया, इस 60 में से, अपने 60 में से 10 रुपीज निकाला,
10 रुपीज दे दिया, किसको दे दिया, मेरे बेटे को। जरा बताओ, मेरी बेटी ने सेक्रीफाइस किया कि गेन किया, बोलो ना। मेरी बेटी जिसको 60 मिला था, मैंने कहा कि 10 रुपए आप बेटे को दे दो, अपने भाई को दे दो, तो जरा बताओ मेरी बेटी ने सेक्रीफाइस किया कि गेन किया। सर सेक्रीफाइस किया मेरे बच्चे, मेरी बेटी ने क्या किया, 10 रुपए यहां पे सेक्रीफाइस किया, यहां पे सेक्रीफाइस किया। और ये 10 रुपए जो मैंने बेटी ने सेक्रीफाइस किया, वो किसने गेन किया, बेटे ने। तो बेटे के पास 10 रुपीज का क्या हो गया, गेन आपका हो गया, गेन हो गया, है ना। बेटी ने सेक्रीफाइस किया और बेटे ने गेन किया। अब मैं आपसे पूछूं कि जरा बताओ, ये हो जाने के बाद अब मेरे बेटे बेटी के पास न्यू पोजीशन क्या है। मैं पूछ रहा हूं कि जरा बताओ, मेरे बेटे बेटी के पास नया पोजीशन क्या है, अब उनके पास कितने कितने रुपए हैं। तो पता है क्या दिखाई दिया, ये देखो आप, ये देखो आप कि 40 रुपीज जो मेरे बेटे के पास था, उसने 10 और गेन किया, तो नया कितना हो गया, 50 आपका हो गया। मेरे बेटे के पास जो 60 था, 10 उसने सेक्रीफाइस कर दिया, तो 60 में 10 चल गया, कितना बच गया, 50 आपका। और ये जो थी, इसने कुछ सेक्रीफाइस कुछ गेन नहीं किया, तो जितना पहले था उतना ही क्या रहा जी, अभी भी रहा आपका, ये अमाउंट निकल गया। आप बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सर ये तो बोलना चाहता हूँ, बट कहना क्या चाहते हो मेरे बच्चे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर में आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो, और आपका ओल्ड रेशियो जितना था उसमें से आपको बताया आपका सेक्रीफाइस, तो ओल्ड में से मैं क्या करूंगा, सेक्रीफाइस को माइनस कर दूंगा। सेक्रीफाइस जो आपका है उस रेशियो को माइनस कर दूंगा। तो बताओ ओल्ड में से अगर मैं सेक्रीफाइस को हटा दूं तो क्या बच जाएगा आपका, न्यू रेशियो। समझ लो, अभी मैं आपको समझा रहा हूं, अभी मैं समझा रहा हूं, फिर एक सिंपल से फॉर्मूले में मैं इस बातों को रख दूंगा और आपको अपने आप सारी बातें समझ में आ जाएगी। लेकिन समझो ना, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। जितना मुझे पहले मेरी बेटी के पास था ओल्ड रेशियो, उसमें से जितना उसने सेक्रीफाइस कर दिया, जितना छोड़ दिया, उसमें से हटा दो तो क्या बच जाएगा, नया, मतलब अब उसका पोजिशन क्या है। और अगर आप मेरे बेटे की बात करो तो जो ओल्ड रेशियो था, ओल्ड रेशियो था, अब उसने इतना गेन किया, तो ओल्ड में गेन को ऐड करना पड़ेगा, 40 पहले से प्लस इतना, तब नया निकल के आएगा। तो गेन को अगर मैं ऐड करूं तो क्या निकल के आ जाएगा, न्यू रेशियो। कोई कोई बहुत बड़ी बात सिखा रहा हूं क्या, नहीं सर, नहीं, ऐसा तो होता है सर। हमारे पापा ने अगर हमें मान लो 50 रुपये दिए हैं और कहते हैं कि इसमें से 10 रुपये आप छोटे भाई को दे दो, तो हमें 50 में से 10 रुपये माइनस करना होगा, और जितना सेक्रीफाइस किया माइनस करके जो बचेगा वही न्यू हो जाएगा। वो भाई के पास जितना था, अगर उसको 10 रुपीज और मिल गया, गेन हो गया, तो वो गेन को ऐड करो, न्यू रेशियो निकल के आ जाएगा। आप बिल्कुल ठीक बोलते हो बच्चों, आपके मुंह में इतने सारे अच्छे अच्छे हीरे हैं कि मैं क्या बताऊं। इन्हीं बातों को अब मैं क्वेश्चन के अंदर में पुट करूंगा, इन्हीं बातों को मैं आपके क्वेश्चन के अंदर में पुट करूंगा। आप एक काम करो, लिखो आज का एक एग्जाम्पल नंबर 1। शायद पिछली क्लास में 5 एग्जाम्पल किया था, तो मैं 6th एग्जाम्पल नंबर कर देता हूं। उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको मुझे याद नहीं है, 6 होगा तो 7 कर देना, 5 तो 6 कर देना, कोई मतलब नहीं है आपका। जरा देखो मैं क्या बता रहा हूं। कहता है कि आपका एक्स वाई एंड जेड ये पार्टनर्स हैं, आर पार्टनर्स लिखिए, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज, जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है, शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन रेशियो ऑफ मान लो कहता है आपका 2:2:1, इस रेशियो में शेयर करता है। फिर कहता है आपका यहाँ पे, फिर कहता है यहाँ पे, मैं क्वेश्चन से बना रहा हूँ, कहता है कि जेड एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स। ओहो, जेड ने एक से 1/5 शेयर ले लिया। मेरे बच्चे, जेड ने क्या किया, 1/5 शेयर आपका एक्स से ले लिया,
बोलता है यहाँ पे कैलकुलेट, थोड़ा जगह छोड़ के लिखना, बीच में कुछ समझाऊंगा मैं आपको, कैलकुलेट कैलकुलेट न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर्स आपका, ठीक है ना, हमें नया रेशियो निकालना है। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, यहाँ पे जरा बताओ, जेड ने एक से 1/5 शेयर ले लिया, ठीक, वैसे जैसे यहाँ पे मेरी बेटी से मेरे बेटे ने 10 रुपया लिया था ना बच्चे, तो उसी तरीके से जेड ने क्या किया, एक से 1/5 ले लिया। जेड ने लिया है, जेड ने लिया है, गेन किसने किया, गेन किसने किया, जेड ने, अरे लिखो ना, रेड में जो लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, जेड ने गेन किया, तो एक्स ने दिया ना, यानी कि एक्स ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। मैं अभी समझा रहा हूँ इसको, बहुत सिंपल तरीके से हम कर लेंगे बाद में, लेकिन अभी समझा रहा हूँ मैं आपको कि भैया आपने क्या किया जी, आपने गेन किया और आपने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। अब आओ जरा मैं आपको बताऊँ यहाँ पे क्या निकल के आएगा, न्यू रेशियो निकालना हमने यहाँ पे, न्यू रेशियो, तो आपने क्या किया, चलो उसी फॉर्मेट में काम कर लेते हैं, यहाँ पे पार्टनर्स, क्या नाम है पार्टनर्स का, एक्स वाई जेड, ओल्ड रेशियो बताइए इनके बीच का पहले का क्या था, ओल्ड रेशियो सर 2/5, 2/5 एंड 1/5, ये रेशियो पहले से था। मुझे बताओ इस बार सेक्रीफाइस बता रहा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका, बताओ किसने सेक्रीफाइस किया है, सेक्रीफाइस किसने किया है, एक्स ने, तो एक्स के आगे मेरे बच्चे सेक्रीफाइस कितना है जी, 1/5, आपने 1/5 दे दिया, आपने दिया, और जेड ने लिया है, जेड ने लिया, अगर आपने दिया तो आपने लिया, यानी कि आपने 1/5 सेक्रीफाइस नहीं किया, आपने गेन किया, अगर आपने सेक्रीफाइसिंग लिखा है ना तो इसको निगेटिव में डाल देना, मतलब अगर ये नाम लिखो और यहाँ कहूँ कि आपका ये आपका सेक्रीफाइस कर रहा है, सॉरी यहाँ सेक्रीफाइस लिखो और यहाँ निगेटिव में, इसका मतलब क्या, ये गेन कर रहा है। अगर आपको ऐसे भी मन ना करे, एक और सिंपल तरीका देता हूँ, कोई भी तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे कुछ लिखो ही ना, यहाँ कुछ लिखो ना, यहाँ कर दो ब्रैकेट में, यहाँ पे जरा बताओ इसने क्या किया, सेक्रीफाइस किया, हमने ऊपर में कुछ लिखा ही नहीं, और इसने 1/5 फिर क्या किया जी, इन्होंने गेन किया, है ना। अब यहाँ पे प्लस माइनस का चक्कर ही खत्म कर दिया, लिख दिया कि भैया हमने 1/5 सेक्रीफाइस किया और आपने क्या किया, गेन किया, इनके साथ कुछ भी नहीं है, इनके साथ कुछ भी नहीं है, है ना बच्चे। अब निकाल लो न्यू रेशियो, न्यू रेशियो आओ निकालते, न्यू रेशियो जरा समझो, एक्स का कुछ भी नहीं, फॉर्मूला रटना, मैं इन सबको फॉर्मूला में बाद में कन्वर्ट कर दूंगा, जो हमेशा चुटकी बजाते आपके दिमाग में बैठ जाएगा, लेकिन अभी हम बातें समझ रहे हैं मेरे बच्चे। आप मुझे बताओ, एक्स पहले 2/5 लिया करता था, पहले इनका 2/5 था, इसमें से इन्होंने 1/5 सेक्रीफाइस कर दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया मेरे बच्चे, तो बताओ अब नया क्या होगा। सर ये जितना लिया करते थे ओल्ड, यानी कि 2/5, इसमें से जितना सेक्रीफाइस कर दिया सर, उसको हटाना पड़ेगा, 1/5 आपको हटाना पड़ेगा, तब जाकर नया निकल के आ पाएगा, गलत बता रहा हूं। अरे यहां भी तो वही हुआ था, ये देखो 60 में 10 आपने सेक्रीफाइस किया, तो ओल्ड में हमने सेक्रीफाइस को माइनस किया, तो नया निकल के आ गया, हम वही कर रहे हैं, आपका ओल्ड रेशियो में से, ओल्ड में से हम सेक्रीफाइस को माइनस करें तो न्यू निकल के आ जा रहा है, बताओ कितना आ गया, नीचे में 5, यहां पे आपका 2, ये हो गया 1/5, इतना सेक्रीफाइस किया, ये इतना आपका न्यू रेशियो, माफ कीजिए बच्चों, हम न्यू रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक तो था, माफ क्यों करे बदमाश, ठीक तो था, अरे नया रेशियो निकाल रहे हो, तो हमने क्या किया, जितना आपका था वो लिखा, इसमें से इतना आपने सेक्रीफाइस कर दिया, तो क्या निकल के आएगा, नया रेशियो, न्यू रेशियो निकाल रहा हूं, और इनका तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, 2/5 था, कुछ चेंज नहीं किया, तो अभी भी कितना, 2/5, और आपका कितना जी, 1/5 आपका पहले था मेरे बच्चे, ये वो है जो मेरा बेटा था, जो इनका पहले था और इतना आपने गेन किया, तो ओल्ड में गेन को ऐड कर दो, निकल के आ जाएगा, मतलब 1/5 पहले से था, 1/5 और इन्होंने गेन किया, तो अब कितना आ गया, 2/5 आपका, 2/5, समझ लो, मैं आपको अब बता रहा हूँ, एग्जाम में लैंग्वेज तो कुछ भी आ सकता है, लैंग्वेज जो है वो क्वेश्चन का कुछ भी हो सकता है, आपको क्या करना होगा, लैंग्वेज में मास्टरी करना होगा, बस वही समझा रहा हूँ। तो मेरे बच्चे अब देखो, कोई पूछे कि बताओ भैया अब न्यू रेशियो क्या बन गया, नया रेशियो बताओ, तो आप कहना 1:2:2, 1:2:2, ये आपका नया रेशियो निकल के आ गया,
निकाल दिया हमने, जितना आपने सेक्रीफाइस कर दिया ओल्ड में, यानी कि जो पहले मिलता था आपके सेक्रीफाइस को माइनस किया, ये निकल के आ गया। आपको जितना मिलता था इतना गेन किया, आपको ही मिल गया। किसी तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा मेरे बच्चे, आप कर लेना, बशर्ते कि आपको बातें समझनी है। सर ऐसे एग्जाम में दिखा सकते हैं, ये तो मस्त है, क्यों नहीं दिखा सकते? आप ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखा दो, क्या जाता है। और अगर आप चाहो इसी को एक दूसरे तरीके से, तो मैं अभी कई तरीके आपको बता दूंगा, फिलहाल हम सीख रहे हैं, हम ऐसे ही काम करेंगे, हम ऐसे ही काम करेंगे, अच्छा लगेगा इस तरीके से, है ना। एक काम करते हैं, एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूँ, एग्जांपल और, एग्जांपल नंबर लिखिए मेरे साथ सेवेंथ, यहाँ पे सेवेंथ एग्जांपल, सेवेंथ आपका, सेवेंथ में कहता है इस बार लिखो जरा कि ए बी एंड सी वेर पार्टनर्स, सी कहता है आर पार्टनर्स, शेयरिंग शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज, प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो, इन द रेशियो ऑफ 4:3:3, ये ओल्ड रेशियो इनका है, ठीक है ना। कहता है ये इस बार आपका कहता है कि बी B acquires two by ten share from, किससे ले लो बताओ, B किससे लगा, A से कि C से, आप जिससे बोलो उससे दे देता हूँ, चलो A दे दिया, from A आपका, चलो B acquires 2/10 share from A and थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूँ, मजा आएगा आपको, 1/10 share from क्या नाम है तीसरे का, C, A से लिया इतना, from C कर दो यहाँ पे, from C, और बोलता है कि calculate new ratio। मेरे बच्चे आप कोई भी फॉर्मेट को आप रटेंगे नहीं, आपको बहुत स्मूथ वे में मेरे साथ चलना है। और एक मजे की बात, ये जो रेशियो निकाल रहा हूँ ना, ये पूरे आपका पार्टनरशिप में चलेगा। अभी फंडामेंटल है, एडमिशन आएगा, रिटायरमेंट आएगा, डेथ आएगा, सब जगह चलेगा, तो इसमें मास्टर हो जाएंगे। बस अभी बस शब्दों पर कमांड करो, शब्दों पर आई जरा सोल्यूशन में, बेस्ट तरीका पार्टनर्स के नाम, यहाँ पे पार्टनर्स कौन कौन है, ए बी एंड सी। आप बताइए ओल्ड रेशियो इनका क्या दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो इनका है 4/10, इनका है 3/10 और इनका है 3/10, दीज आर ओल्ड रेशियो, 4:3:3 आपका। अब आपको ये देखना है, बी ने लिया है मेरे बच्चे, बी ने लिया है, बी एक्वायर्स, तो बी ने यहां पे क्या किया है, गेन किया है, जिसको मिलेगा वो गेन करेगा। ए से लिया तो ए ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया, सेक्रीफाइस, और सी ने भी क्या किया, सेक्रीफाइस किया। पिछले वाले एग्जाम्पल में एक ने सेक्रीफाइस किया था, दूसरे ने गेन किया था, यहां पे कुछ वैसे ही हो गया, जैसे मेरा बेटा रो रहा है कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे और चाहिए, 40 रुपए ही क्यों, तो मेरे दोनों बेटियां, ऐसे मेरी एक ही बेटी है, बट मान लो दोनों बेटियों ने क्या किया कि उन्होंने 5-5 रुपए दे दिए मेरे बेटे को, तो 5 रुपया बेटी ने दिया, एक 5 रुपया एक और बेटी ने दिया, 5-5 कितना हो गया, 10, वो बेटे को मिल गया 10 रुपया पूरा आपका। तो इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है जरा बताओ, ये ओल्ड है, पहले आ जाओ ए का, ए क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ए का सेक्रीफाइस बताओ 2/10, लिख देता हूँ यहाँ पे इसी के बगल में 2/10, ये हो गया ए का सेक्रीफाइस। मेरे बच्चे इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, आप जैसे करो, बट क्योंकि बेस्ट तरीका बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा बाद में दिक्कत ना हो। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है, सॉरी ए ने किया, सी ने कितना किया, 1/10, तो 1/10 इन्होंने भी छोड़ा है जी, सेक्रीफाइस किया है मतलब दिया है, तो सेक्रीफाइस। और ये किसको मिल गया है आपको, यहाँ पे क्या नाम है, ओहो सॉरी, क्या सी था ना, सी ने सेक्रीफाइस किया था, कितना, 1/10 इनका भी क्या है, सेक्रीफाइस है। और फिर
बी का गेन कितना हुआ, जितना आप दोगे और जितना आप दोगे, मतलब मैं यहाँ पे अगर नीचे लिख दूँ क्योंकि यहाँ हौच पच ना हो जाए, मैं देखो जी टोटल गेन मैं कहीं भी दिखा सकता हूँ, टोटल गेन टू आपका बी कितना होगा, तो जितना आपने दिया यानी कि 2/10, जितना आपने दिया यानी कि 1/10, टोटल कितना हो गया 3/10, तो यहाँ लिख दो 3/10 यहाँ पे इनका गेन निकल के आया है, इन्होंने गेन किया, इन दोनों ने सेक्रीफाइस के इन्होंने गेन किया। पर बच्चे अब इतना लिखने के बाद अगर मुझे कोई कहे कि जरा बताओ न्यू रेशियो मेरा क्या निकल के आएगा, तो सुनो जरा अब फॉर्मूला खुद बनाएंगे। इनको पहले 4/10 मिला करता था, यहां भी ऐसे कर लो अच्छा रहेगा, लाइनिंग कर लो यहां भी कर लो ताकि क्लैरिटी आएगी क्या कर रहे थे यहां पे। अब यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, लाइनिंग छोड़ो, यहां देखो, ए को पहले 4/10 मिला करता था, इसमें से इतना इसने छोड़ दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, तो जितना पहले मिला करता था उसमें से जितने आपने छोड़ दिए 2/10 उसको माइनस कर दो, नया निकल के आ जाएगा। ये 10 रह गया नीचे में, 4 - 2 यहां पे 2/10, और इसका मेरे बच्चे आपका पहले 3/10 था और इतना आपने गेन किया, तो जितना पहले मिला करता था उसके बाद इतना और मिल रहा है, कितना और मिल रहा है 3/10, मतलब 3/10 पहले से था, 3/10 और गेन हो गया, तो टोटल कितना हो गया 6/10 आपका, और आपका कितना था जी पहले 3/10, आपने सेक्रीफाइस किया यानी कि इसमें से 1/10 छोड़ दिया, तो कितना रह गया 2/10 आपका, 2/10। इसका मतलब है, आप कॉपी कर लो वहां तक, आपका आप कॉपी कर लीजिए, इसका मतलब है कि अगर क्वेश्चन पूछता है उसने क्या पूछा था, आप निकालो न्यू रेशियो, तो मेरे बच्चे आपको यहां अलग से बताना पड़ेगा कि हमारा जो न्यू रेशियो होगा, न्यू रेशियो होगा वो क्या बन जाएगा आपका, ये देखो रेशियो 2:6:2, ये हो गया 2:6:2, ये नया रेशियो निकल के आ गया 2:6:2। और ध्यान रखना अगर हमने रेशियो सही निकाला है तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं। सर कैसे, जरा ऐड करो 2 + 6 + 2 कितना हो गया 10 हो गया, इन तीनों का जो सम टोटल है ना बच्चे वो डेनोमिनेटर के बराबर आना चाहिए। आप देख लो 10 रुपए को ही तो हमने 2, 6 और 2 में डिवाइड किया है, तो 2 + 6 + 2 दैट मस्ट बी इक्वल टू आपका 10, यानी कि जो डेनोमिनेटर में है, यानी कि प्रॉफिट को हमने 10 टुकड़ों में अब डिवाइड किया, उसमें 2 पार्ट्स आपको, 6 आपको 2 आपको मिल रहा, इसका ये मतलब निकल के आता है न्यू रेशियो 2:6:2 निकल के आ गया। हाँ आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2:6:2 को आप चाहो तो और 2 से डिवाइड कर दो जी, तो 2 1 जा 2 3 जा एंड 2 1 जा आपका, है ना, 2 से हमने क्या क्या डिवाइड किया, तो आप 2:6:2 कह दो या 1 3 1 कह दो, मीनिंग सेम निकल के आता है। जब हमने 1 3 1 कहा तो हम क्या करेंगे जी, इनको भी सिंप्लीफाई करेंगे, ये कितना हो गया 1/5, ये कितना हो गया 2 से काटा तो 3/5, ये कितना हो गया 1/5, यहाँ देखो 1 + 3 + 1 यानी कि 5 के बराबर है, यानी कि हमने सही काम किया है, तो मतलब हम ऐसे इस बात को समझ सकते हैं। अब मैं आपको पिछली क्लास में 2 नोट दिया था, आपका सेक्रीफाइस और आपका गेन रेशियो के ऊपर में, आज मेरे बच्चे नोट नंबर 3 लिखिए जहाँ पे आंसर खत्म हो रहा है। अगर हमें न्यू रेशियो निकालना पड़ जाए, अगर हमारा न्यू रेशियो, तो हम क्या करेंगे जरा बताओ, ओल्ड रेशियो में अगर मैं सेक्रीफाइस को माइनस कर दूँ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो हमारा क्या निकल के आएगा न्यू, क्योंकि जितना हमारा अभी है उसमें से जितना हमने छोड़ दिया, सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है, जो हमने छोड़ दिया, लिख दूँ मैं, ओल्ड का मतलब क्या बोलेंगे कि जो आपका अभी है आपके लिए लिख रहा हूँ, और सेक्रीफाइस का मतलब क्या, जो हमने छोड़ दिया, तो जितना छोड़ दिया उसको हटा दो, आपका हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और अगर आपको न्यू रेशियो निकालना है नोट नंबर 4 गेन के केस में, किसी ने अगर गेन किया और उसका निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ओल्ड रेशियो है उसमें ऐड कर देंगे जो हमने गेन किया है, मतलब गेनिंग रेशियो, जितना हमें और मिला है, है ना। और अगर मैं सिंपल भाषा में हिंदी में बात करूं तो ओल्ड का मतलब क्या है जी, जो अभी है, मतलब पहले से जो है, और उसमें हमने क्या किया कि जो हमने गेन का क्या लिखो मैं, छोड़ दिया, तो इसको मतलब जो हमें और मिला, लिख दो यहाँ पे और मिला, जो पहले से है और उसके बाद और मिला, हिंदी ठीक नहीं है पर शायद ऐसे लिखा जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या अभी है, मैं एक काम करूँ क्या, अभी एक और अच्छा लिख दो, जो पहले से है,
जो पहले से हमारे पास था, पहले से है ना, अच्छा लग रहा है हिंदी में, और उसमें से हमने छोड़ दिया को हटा दिया, और यहाँ पे हमने क्या बोला, जो पहले से है। सर आप तो मिटा दे, तो हम कैसे मिटाएंगे, माफ़ कर दो, क्या करूँ, आपके लिए लिख रहा हूँ, जो पहले से है और जो और मिला उसको ऐड किया तो आपका निकल क्या है। ये क्यों, आखिर क्यों हम ऐसे करें, क्यों हम इसको रटें। अब एक काम करते हैं, जरा आ जाओ आपके बुकलेट का क्वेश्चन नंबर वन जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन अब हम बुक के अंदर एंट्री कर सकते हैं मेरे बच्चे, और हम किसी भी क्वेश्चन को करने लायक बन चुके हैं। आज आओ ना, आज तो बहुत मस्त तरीके से हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। बस फॉर्मूला हम रटे ना, ठीक है ना, फॉर्मूला रटेंगे आगे कॉन्सेप्ट खराब हो जाएंगे, फॉर्मूला समझेंगे आगे आपको मज़ा आएगा, वही मज़ा आपको देना चाहता हूँ। आओ जरा क्वेश्चन नंबर वन देखेंगे, पढ़ो पढ़ो मेरे साथ पढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर वन क्या बता रहा है। वन देखेंगे, बुक का निकाली क्वेश्चन नंबर वन फटाफट। क्वेश्चन नंबर वन कहता है कि एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:3:2, कैलकुलेट न्यू रेशियो, नया रेशियो निकालना है। कहता है कि एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, कहता है कि आप निकालो नया रेशियो भी और सेक्रीफाइस, क्या बता रहा है। केस वन पढ़ना कि जेड ने 1/5 शेयर एक से लिया है, आगे मत पढ़ना, मैं आपको सोल्यूशन करा रहा हूँ मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर वन का ब्लैक ले लेता हूँ, अच्छा लगता है, सोल्यूशन करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर वन का, और यहाँ पे सिर्फ अभी हम बात करेंगे केस नंबर वन, आगे केस हम नहीं पढ़ेंगे। बताइए क्या नाम है पार्टनर्स का, तो यहाँ लिखा जो पार्टनर्स हमारे पास हैं उनका नाम है एक्स वाई एंड जेड। जरा बताओ इनका ओल्ड रेशियो जो आपका है, ओल्ड रेशियो पहले से, वो क्या बता रहा है आपका। सर 5:3:2 यानी कि 5/10, 3/10 और यहाँ पे 2/10, ठीक है। अब ध्यान से पढ़ना, कहता है कि भैया जेड ने एक से लिया है, फिर बच्चे जेड ने एक्वायर किया है, लिया है तो इन्होंने गेन किया है, और एक्स ने दिया है तो एक्स ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है, कितना कितना 1/5, तो एक्स ने सेक्रीफाइस किया, एक्स के आगे लिख दो कितना जी 1/5, यहां पे 1/5 और ब्रैकेट में सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस जेड ने दिया है, सॉरी जेड ने लिया बच्चे, जेड ने एक्वायर किया मतलब उसको मिला है, तो इन्होंने क्या किया 1/5 यहां पे गेन किया है, इन्होंने गेन किया है, इनका कुछ नहीं हुआ है। अब मैं यहाँ पे इसको मैं ऐसे कर लूँ ताकि क्लैरिटी हमारे पास आ जाए एग्जामिनर के दिमाग में भी। अब हम न्यू रेशियो यहाँ पे निकाल देंगे बिना किसी फॉर्मूले के। अरे पहले हमें 5/10 मिला करता था, पहले इसमें से इतना हमने छोड़ दिया तो माइनस कर दो, नया निकल के आ जाएगा। इनका 3/10 पहले से था, इन्होंने कुछ भी नहीं किया तो इतना ही रह जाएगा, और इनका 2/10 पहले से था और इन्होंने 1/5 गेन किया तो और मिल गया, ऐड कर दो, बताओ ना क्या हो जाएगा। यहाँ पे 10 और 10 ये हो गया 5 और ये आ गया -4 यानी कि ये आ गया 1/10 नया शेयर। इनका तो 3/10 ही रहा, इनका मेरे बच्चे 10 नीचे में, ये आपका 2 और +2 यानी कि ये 4/10 निकल के आ गया। आप चेक करते हैं हमारा न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो क्या है, तो न्यू रेशियो में आप बोलेंगे 1:3:4। ओ कुछ गलत कर रहा हूँ है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि कैसे पता चला मुझे गलती हो रहा है। 1 और 3, 4 और 4, 8 बन रहे बच्चे जबकि 10 होने चाहिए, देखते हैं गलती क्या किया। 5/10 में हमने इतना छोड़ दिया तो 10 आ गया आपका यहाँ पे यानी कि 5, अच्छा यहाँ पे 2 होगा ना, आप चिल्ला रहे थे बट मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि 10 को 5 से डिवाइड किया तो 2 आया, 2 × 1 = 2 होता है, ये 3 हो गया, समझ रहे हो। क्योंकि हमेशा क्या होगा, न्यू रेशियो जब होगा तो इस तीनों का जो सम टोटल है दैट मस्ट बी इक्वल टू डेनोमिनेटर, तो 3:3:4 आपका ये न्यू रेशियो निकल के आ गया। हाँ हो गई बात यहाँ पे, और क्योंकि अभी ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, नहीं कर सकता, तो यही रेशियो हमारा बन गया 3:3:4। सेक्रीफाइसिंग क्या जी, बोल देना एक्स का सेक्रीफाइस से इनका गेन है, कोई रेशियो उसका बनेगा नहीं क्योंकि एक ही बंदा है, सिर्फ न्यू रेशियो आपका निकल गया, कोई डाउट नहीं सर नहीं। तो आओ ना फिर केस नंबर 2 में आते हैं, केस नंबर 2 में, और देख लो हम कोई फॉर्मूला रट नहीं रहे हैं,
आपका जितना पहले था उसमें से जितना छोड़ दिया माइनस कर दो, नया निकल के आ जाएगा। आपका जो पहले था कुछ छोड़ा, कुछ गेन नहीं किया तो सेम रह गया आपका, इस तरीके से। अब आइए केस नंबर टू, इसको हटाता हूं। बहुत सिंपल ये चैप्टर, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना होता है। हम लोग करेंगे अब यहाँ पे केस नंबर टू आपका। केस नंबर टू पे आप आइए जरा। केस नंबर टू कहता है आपका यहाँ पे, अब पहले मैं वही क्वेश्चन है इसलिए पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स हमारे पास एक्स वाई जेड हैं। आपका ओल्ड रेशियो जो यहाँ पे है, ओल्ड रेशियो, वो रेशियो आपको क्या बताया जरा चेक करो। ओल्ड रेशियो ये आपका 5:3:2 है, 5/10, 3/10 एंड 2/10, ये ओल्ड हो गया। न्यू रेशियो में क्या दिया हुआ है जी, इस बार कहता है मेरे बच्चे जेड ने 1/5 शेयर जो है वो इक्वली लिया है एक्स एंड वाई से। समझो मेरी बात, जेड ने क्या किया कि जो उसका शेयर है, मैं यहां पे आपको जब कुछ लिखूं उसके पहले आपको मैं यहां कुछ दिखाना चाहता हूं। जरा बताओ कि आपका ये कहता है जेड ने एक्वायर किया, तो पहले मैं उस सेंटेंस लिख देता हूं, जेड ने एक्वायर किया है, ये सेंटेंस एग्जाम में लिख सकते हो नहीं भी लिख सकते हो। 1/5 कहता है कि इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, यही है ना, एक्स एंड वाई से। सर हाँ, पहले आप मेरी बात सुनो, क्योंकि इन्होंने एक्वायर किया है इसका मतलब जेड ने क्या किया है, गेन किया है, और इन लोगों से लिया है इसका मतलब इन लोगों ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। ये तो पहले क्लियर होना चाहिए क्योंकि तभी हम नया रेशियो निकाल पाते हैं। अब जरा सुनो, जेड ने गेन किया, कितना गेन किया, 1/5, दावे के साथ जेड के पास कितना आएगा, 1/5 आएगा, और लिख दो ब्रैकेट में इन्होंने क्या किया है, गेन किया है। अब एक्स वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया, तो समझो ना, देखो मैं लिख रहा हूं यहां पर सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस ऑफ, पहले मैं एक्स का निकाल रहा हूं कि एक्स ने सेक्रीफाइस कितना किया है, एक्स का सेक्रीफाइस कितना छोड़ दिया। तो सुनो जरा, वो कहता है कि भैया जितना भी जेड को मिलना है, जेड को जितना मिलना है, जितना गेन करेगा वो आधा आधा, मतलब जेड को कितना मिलेगा जी, 1/5, इसका आधा का मतलब क्या, हाफ, 1/2, आधा, यही होता ना बच्चे, आप समझो ना, लैंग्वेज है कि भैया जितना जितना जेड को मिलना है उतना उसका आधा आधा। ठीक उसी तरीके से जैसे मेरे बेटे को अगर 10 रुपया देना था तो मैंने अपने बेटियों को बोला कि काम करो उसका आधा आधा आप दे दो। तो चलो बताओ, 10 रुपये अगर मेरे बेटे को मिलना था और आधा आधा मैंने कहा बेटी से कि भैया आप लोग दे दो, तो बेटी 1 कितना देगी, 10 का आधा यानी कि 1/2, आप कितना दोगे, 10 का आधा यानी कि 1/2, आधा आधा मतलब क्या जी, उसको आधा आधा डिवाइड कर लो, तो 10 का आधा 5 आपने दिया, 5 आपने, 5 5 मिलकर 10 हो जाएगा। एक्चुअली मैं वहां पे अमाउंट में समझा रहा था, यहां पे रेशियो में समझा रहा हूं, मीनिंग तो सेम निकल के आएगा बच्चे। तो यहां पे क्या हुआ कि जितना शेयर जेड का है उसका आधा आपने दिया, जितना और जो सेक्रीफाइस है ऑफ किसका जी, वाई का, वो कितना, जितना जेड को मिलना है यानी कि 1/5, इसका आधा यानी कि 1/2, तो आपने कितना दिया, 1/10, आपने कितना दिया, 1/10, आप 1/10 सेक्रीफाइस करोगे, आप 1/10 सेक्रीफाइस करोगे और ये दोनों मिलकर इनके पास चला जाएगा। आप ध्यान देना, एक्स कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/10, तो एक्स के आगे लिख दो 1/10 और ये इनका सेक्रीफाइस है, इन्होंने सेक्रीफाइस किया है। वाई ने भी 1/10, इन्होंने क्या किया, 1/10, इन्होंने भी सेक्रीफाइस किया है, सेक्रीफाइस किया है ना, रटना नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे आओ, मजा आएगा। अब निकाल लो न्यू रेशियो, जो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है नया रेशियो, ये देखो आप 5/10 मेरा पहले था उसमें से हमने इतना छोड़ दिया, माइनस कर दो, नया बच जाएगा जितना अब रह गया। 3/10 मेरा पहले था, हमने 1/10 सेक्रीफाइस कर दिया तो हमारा नया रह जाएगा, और 2/10 मेरा पहले से था इतना हमने गेन किया 1/5 तो हमारा बढ़ जाएगा शेयर नए में, आपका कितना हो गया 4/10, आपका कितना हो गया 2/10, आपका कितना हो गया, तो ये 10
टू और आपका टू, 4/10 आपका। लो ये काम पूरा हो गया, 4:2:2। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपका न्यू रेशियो निकालता हूँ, न्यू रेशियो तो 4:2:4 आ जाएगा, 4:2:4 आ जाएगा। एक बार चेक करना, 4:2 और 4 10 के बराबर है सर, हाँ, यानी कि बिल्कुल सही काम किया। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 2 1 जा एंड 2 2 जा, उस केस में इसको काटना पड़ेगा 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 2/5 1/5 सेम निकल के आ जाएगा, मतलब वो काम कर सकते हैं। हो गई बात है, आप समझ लो मेरी बात ना, मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे। तो कुछ भी आए, कोई भी केस निकल के आए, हम इस बात को कर जाएंगे, कोई भी केस है हम इस बात को कर जाएंगे, ठीक है ना। आप प्लीज़ कॉपी कर लो, कॉपी कर लो आप यहाँ पे, हमें ये बात समझना होता है। आप इसको रेशियो को आप बना सकते हो, अब तो दिमाग में बैठ जाएगा यार नया रेशियो क्या होगा, तो जितना ओल्ड था, और अगर हमने सेक्रीफाइस किया तो ओल्ड में सेक्रीफाइस को माइनस कर दूंगा, और अगर हमने गेन किया है तो ओल्ड में गेन को ऐड कर देंगे, नया निकल के आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। हटा दूं मैं इसको, अरे बोलो ना हाँ या ना सर, हाँ सर हटा दो। चलो ये भी काम खत्म हो रहा है, धीरे धीरे हम लोग बहुत आगे निकल रहे हैं। अब तो ये टॉपिक का अंत आ गया, लेकिन अंत नहीं मेरे बच्चे, शुरुआत है। अब ये टॉपिक सब जगह बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगा, बस दिमाग बिठा के रखना। केस नंबर 3, अब आइए केस नंबर 3 क्या बता रहा है। तो आप पहले काम करो, पार्टनर्स तो वही हैं, उनमें तो कोई चेंज है नहीं, और ओल्ड रेशियो भी आपका सेम है। उसके बाद देख लेंगे क्या दे रहा है। पार्टनर्स का नाम XY और आपका Z है, XYZ था ना सर, हाँ। उनका ओल्ड रेशियो बताइए, 5/10, 3/10 और यहाँ पे 2/10। अब जरा पढ़ो इस बार केस नंबर 3 में क्या बता रहा है, केस नंबर 3 में। अरे आप सो तो नहीं रहे ना, आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे सो तो नहीं रहे ना। नहीं सर, नहीं, पढ़ो ना सर, आप टाइम बर्बाद मत करो, दिमाग डाइवर्ट मत करो, आप पढ़ो जरा। तो फिर सुनो केस नंबर 3 क्या बता रहा है। XYZ डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट लॉस इक्वली। लो इस बार तो पार्टनर्स का जो फ्यूचर का जो रेशियो होगा वही बता दिया, मतलब नया रेशियो। पीछे के 1:2 केस में कौन कितना देगा, कौन कितना लेगा, वो बता रहा था। इस पर बदमाश ने क्या किया कि वो नया रेशियो उनके बीच में क्या होगा वही बता दिया। तो परेशानी थोड़ा ही है, अगर नया रेशियो कहता है कि इक्वली है तीन के बीच में, 1/3 1/3 1/3 हो गया, क्या बोल रहा निकालने को। पढ़ना स्टार्टिंग से, फर्स्ट लाइन पढ़ना क्वेश्चन का, फर्स्ट लाइन जहां रेशियो 5:3:2 दिया, उसके बाद कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मेरे बच्चे यहां पे वो गेनिंग ना बोल के क्या बता रहा जी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो न्यू तो दिया हुआ है, हम यहां पे क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और आप जानते हैं कि जब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करेंगे तो हमें थोड़ा ऊपर देख के सोचना होगा। सेक्रीफाइस सर ने तब बताया था जब पहले ज्यादा मिलता था, अब कम मिल रहा है, तो हमने सेक्रीफाइस किया। पहले ज्यादा अब कम, ओल्ड माइनस न्यू, पहले मतलब ओल्ड और अब मतलब न्यू। ओल्ड बड़े में से हमेशा छोटे को माइनस करके आपको निकालना होता है। ओल्ड इनका कितना है जी, 5/10, माइनस करो 1/3, और यहां पे इनका 3/10 था माइनस 1/3, और इनका 2/10 था माइनस 1/3। आपका सेक्रीफाइस निकाल रहा हूँ, 10 3 का टेबल में 30 आ जाएगा लोएस्ट फैक्टर, 3 जा इंटू 5 15, 10 माइनस 10 यानी कि ये आ गया 5/30। इनका चेक करते हैं जी, इनका क्या निकल के आ रहा है मेरे बच्चे, आपका 10 3 का 30 9 -10 ये आ गया -1/10। सेक्रीफाइस निकाल रहा हूँ निगेटिव, यानी कि ये गेन कर रहे हैं, है ना। और इनका आपका 2/10 ये 30 आ गया नीचे में, तो 10 3 × 2 6 -10 ये आ गया -4/30 यानी कि ये भी क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये दोनों गेन कर रहे हैं, है ना, ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं और ये दोनों क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। हमने काम पूरा किया, ठीक है ना। ये आपका कुछ गलत हुआ है क्या, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या है 30 है,
पता नहीं आजकल क्या हो गया, गलती कैसे कर देता हूँ, 30 है नीचे में ना, बुढ़ा हो गया ना बच्चे, इसलिए गलतियाँ होती है। 5/30 इनका सेक्रीफाइस है, इनका क्या है जी, सेक्रीफाइस है, ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं और ये दोनों गेन कर रहे हैं, क्योंकि जब सेक्रीफाइस निकालूंगा निगेटिव आएगा तो गेन कर रहा होगा, चेक कर लो सही है ना, 4+1 5, इनका 5 बराबर है, हमने सही काम किया। दो तरीके से आंसर चेक कर सकते हैं, एक तो जिन जो भी लोग गेन कर रहे हैं उनका गेन ऐड करो तो दूसरे के सेक्रीफाइस के बराबर आएगा, और दूसरा चेकिंग कि तीनों का न्यू रेशियो में जो न्यूमरेटर है 111 इसको ऐड करो तो डेनोमीटर यानी कि 3 के बराबर आना चाहिए, ये भी ठीक है आपका। तो हम लोगों ने बिल्कुल सही काम किया है, हमने बिल्कुल सही काम किया, यहाँ कोई दिक्कत हमारे साथ नहीं है। कोई डाउट इसके अंदर में, कोई डाउट नहीं सर, तो प्लीज़ आप कॉपी कर लो, ये काम पूरा आपका हो गया। और ये टॉपिक में जितनी बातें मुझे समझानी थी मेरे बच्चे वो भी पूरा हो गया, लेकिन अभी मकसद अभी ख़त्म नहीं हुआ चैप्टर का, अभी तो बस इसके अंदर का पहला टॉपिक, याद कीजिए पिछली क्लास में कहा था मैंने कि टॉपिक्स टू बी कवर्ड में पहला था कंप्यूटेशन ऑफ न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना, तो हमने थोड़ा उसका मतलब समझा, थोड़ा उसका मतलब क्या होता है। आप प्लीज़, आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप अभी कॉन्टिन्यूसली जो पीछे की बातें मैं सिखा रहा हूँ ना आपको पिछली क्लास में, इस क्लास में उसका रिविजन रखेंगे आप, इससे क्या होगा आगे जितना ज़्यादा अच्छा रिविजन होगा फिर आगे आप भूलेंगे नहीं, रिविजन करने का भी तरीका होता है, रिविजन करने का भी तरीका। बच्चे जब से कोई चैप्टर खत्म हो गया ना, जब कोई चैप्टर खत्म हो जाता है तो उस चैप्टर के 1-2 या 3 क्वेश्चन आप क्या करो, हाथ से प्रैक्टिस करो, थोड़ा सिंपल वाला, फिर थोड़ा टफ, फिर थोड़ा टफ, बाकी क्वेश्चन को बस पेज पलटा जाता है। आप नोट्स में देखो, अच्छा सर ने इसका ऐसे बताया था, ये मुझे आता है, जो चीज़ आप भूल चुके हैं या तो वीडियो में फिर नोट्स में दोबारा देख लो, याद हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन को हाथ से प्रैक्टिस करके चेक नहीं किया जाता, रिविजन नहीं किया जाता, इसलिए बेस्ट है कोई भी 2-3 क्वेश्चन कर लो, बाकी आप देख लो, फिर अगली बार जब रिविजन करोगे फिर कोई 2-3 क्वेश्चन दूसरा उठा लो, बाकी आप देख लो, इससे क्या होगा कई बार एग्जाम तक बातें आपको रिविजन हो जाएंगी और आप कहीं भूलेंगे नहीं। सेम पैटर्न अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में, आपका बिजनेस स्ट्रेटजी में, अगर मैथ्स है तो मैथ में, इंग्लिश में, हिंदी में, सब में यही काम करना होता है, फिर आपके अच्छे मार्क्स निकल के आते हैं। और कभी भी किसी एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, सभी को इक्वली टाइम देना पड़ता है, खासकर थ्योरी वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं, बच्चे सोचते हैं यार एग्जाम से 10 दिन पहले मैं पढ़ लूँगा, ना ना ना, स्टार्टिंग से पढ़ो, मज़ा आएगा उसमें, तभी अच्छे मार्क्स आते हैं, अगर टारगेट आपका अच्छे मार्क्स को लाना है तो। खैर आइए, मैं इन सबसे हटके अब आपका अगला टॉपिक, नया पेज लेंगे, नया पेज, और आप लिखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, नया पेज, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल आप देख रहे हैं, इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मैं अब इसके बारे में आपको समझाना चाहता हूं। जितना सिंपल पिछला वाला टॉपिक था उससे कम से कम 100 गुना ज्यादा सिंपल ये टॉपिक है, बात मानो मेरी। लेकिन आप किसी बाहर वाले बच्चे से बात करोगे ना तो उनको ये कम से कम 1000 गुना ज्यादा टफ लगेगा एज कंपेयर टू पिछले वाले टॉपिक से। ये फर्क है आप में और उनमें। तो मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं कि एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है क्या, पहले ये कॉन्सेप्ट क्या है मुझे समझो। आप एक एग्जाम्पल मेरे साथ बनाओ, एग्जाम्पल आपका, यहाँ से ज़्यादा क्लियरिटी आपके पास आएगी और बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। बात फिर से गुडविल की उठ गई, याद करो मैंने गुडविल का क्या मतलब समझाया था। मैंने गुडविल का मतलब समझाया था, अगर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करें तो अगर मान लो पुरानी कंपनी जो बिक रही है वो ऑन एन एवरेज अगर मान लो 20,000 रुपये का प्रॉफिट कमा रही है, अगर वो एवरेज प्रॉफिट 20,000 रुपये कमा रही है तो COC, अगर मैंने इस फर्म को परचेज कर लिया, मान लो ये टाटा कंपनी थी और टाटा को मैंने परचेज कर लिया, तो पता मैं क्या बोलूँगा कि भैया आप जो 20,000 का प्रॉफिट कमाया करते थे अब आपके जाने के बाद मैं कमाऊँगा और मुझे लगता है कि आगे आने वाले 3 साल तक मैं कमाऊँगा, 3 यानी कि 3 ईयर्स परचेज प्राइस। तो आप उससे मल्टीप्लाई करके आप गुडविल की वैल्यू निकाला करते थे 60,000,
अगर मैं सिंपल शब्दों में आपसे बात करूं मेरे बच्चे कि गुडविल का क्या मतलब होता है, तो ध्यान सुनना, ये देखो मैं क्या बता रहा हूं, यहां देखो गुडविल का क्या मतलब होता है। पास्ट में जो हमने मेहनत किया था, पास्ट में भूतकाल में जो हमने मेहनत किया था, हमने खून पसीने जो लगाए थे, और अब वो किसने लगाए थे, टाटा ने इस एग्जाम्पल में। अब टाटा को कौन परचेज कर रहा है, सीओसी, तो सीओसी उस मेहनत से आगे आगे यानी कि फ्यूचर में, भविष्य में कितना बेनिफिट कमाएगा, उसको हमने कहा था गुडविल आपका। रिपीट कर रहा हूं, पास्ट में जो किसी ने मेहनत किया उसका फ्यूचर में मैं कितना बेनिफिट लूंगा, उसी को वैल्यू करना हमने क्या बताया था, गुडविल कहा था। याद है ना बात आपको, ऐसे ना देखो कि सर पता नहीं कौन सी बातें कह रहे हैं, वही बातें जो पिछले 4-5 क्लास से जो मैंने कही आपके साथ। गुडविल का मतलब होता है कि पास्ट में जो हमने मेहनत किया है, एफर्ट किया है, उसका फ्यूचर में हमें कितना बेनिफिट मिलेगा, हम उसको गुडविल कहते हैं। तो मेरे बच्चे, अब वो कॉन्सेप्ट को मैं इस चैप्टर में ऐड करना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। पहले मैं यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, वो कॉन्सेप्ट जो गिने चुने बच्चों के पास पता होता है, जिसमें कि एक आप हो और किसी को नहीं पता होता। उस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए मेरे बच्चे हम लोग सीएस की जाके पढ़ाई करते, तब वहां पर जाके हमें थोड़ा बहुत समझ में आता है। आज विश्वास करो, वो कॉन्सेप्ट जो कोई बच्चा सीएससीएमए सीएस बनने के बाद पढ़ता है, वो कॉन्सेप्ट आज आप सीखोगे। मैं आपको सिखाता हूं, देखो जरा वो क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं, बस ध्यान यहां रहेगा, ये देखो आप, ये लिखो आप अभी लिखना भी नहीं, बस मेरी बातें सुन लो। जब मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी और जब मैं कहूंगा तो मेरे वीडियो को पॉज कर लेना, इसको लिख लेना और उसके बाद अगले एग्जाम्पल में एंट्री करना, बट अभी लिखना बंद करो, बस मेरी बात सुनो। देखो ये जरा, आपको पता ये क्या है बच्चे, ये क्या है जरा बताओ, बोलो ये क्या है। सर ये लाइन है, ना लाइन मत कह दो इसको, ये समय है। इसको लाइन कभी ना कहना मेरे बच्चे, ये समय है जो कई वर्षों का है, ये कई वर्षों का समय है जो गुजर चुका है, ये गुजर चुका है, ये हमारा पास्ट है मेरे बच्चे, ये पास्ट टाइम आपका है जो गुजर चुका आपका। मैं आपको बताऊं, यहां पे दो पार्टनर्स हुआ करते थे, एक पार्टनर एक्स, दूसरा पार्टनर वाई। पास्ट में बहुत 8-10 साल से दो पार्टनर ये पार्टनरशिप चलाया करते थे मेरे बच्चे। इनके बीच का जो प्रॉफिट रेशियो था ना, वो रेशियो इनके बीच का आपका था 3:2 का। आज तक ये दिन, वो आज तक क्या होता था, आज के पहले इन्होंने जो कुछ भी कमाया उस कमाई को, उस प्रॉफिट को इन्होंने 3:2 में डिवाइड कर लिया। कोई गलत काम किया क्या? नहीं सर, नहीं, हमने हमारे बीच का रेशियो अगर 3:2 का है तो हम जो भी कुछ कमाएंगे, जो भी प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को 3:2 में डिवाइड किया जाएगा। ऐसा आपने हमें पहले आपका जो प्रॉफिट का जो प्रोपोर्शन था वहाँ पे आपने समझाया हुआ है और सही भी है। अगर रेशियो हमारा ये होगा तो हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे। अब होता क्या है मेरे बच्चे, यहाँ पे मान लो ये आपका यहाँ पे 1 जनवरी आपका 2018 है, मान लो, कुछ भी मान सकता हूं, मान लो 1 जनवरी 2018। अब यहां पे क्या हुआ कि ये दोनों पार्टनर बैठे और कहते हैं कि भैया अब फ्यूचर में, ये फ्यूचर मतलब आने वाले समय, भविष्य में इन्होंने कहा कि भैया हमारा जो प्रॉफिट रेशियो जो था ना पहले एक्स वाई के बीच में 3:2, वो हम 1:1 करेंगे। ये कहते हैं, पता है ऐसा क्यों होता है, बहुत रीजन होते हैं मेरे बच्चे, बहुत रीजन होते हैं, लेकिन थोड़ा मोड़ा मैं बताऊं आपको दिमाग को तरीके से करने के लिए कि शायद पहले हमारा मेहनत इस रेशियो में हुआ करता था बिजनेस में, तो इस रेशियो में अगर मेहनत होता था तो आप ज़्यादा प्रॉफिट लेते थे, हम कम लेते थे। लेकिन अब हम दोनों को लगता है पार्टनरशिप में दोनों को जो लगेगा वही एग्रीमेंट बनता है बच्चे, तो अब हम दोनों को लगता है कि शायद मेहनत हम दोनों बराबर कर रहे हैं, इसलिए आने वाले समय में हम प्रॉफिट को 1:1 में डिवाइड करेंगे, और ऐसा इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया। तो जरा मुझे बताओ ना, आप बताओ, आज के पहले का प्रॉफिट हम कमाया करते थे उसको कौन से रेशियो में डिवाइड करते थे, 3:2 में। इसके बाद जो प्रॉफिट होगा उसको कौन से रेशियो में डिवाइड किया जाएगा, 1:1 में। दोबारा सुनो, मेहनत जो मेरा अभी होता था
मेरा जो मेहनत इस टाइम पे होता था, मेहनत हमारा जो एफर्ट था बच्चे, वो हम लोग क्या करते थे, जब आप करते थे तो इस एफर्ट से यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आता था और उस प्रॉफिट को हम 3:2 में डिवाइड किया करते थे। ये पास्ट में ऐसा होता था। अब हमारा इधर इधर जो हमारा एफर्ट है, जो हमारा एफर्ट है मतलब जो मेहनत है, जो हमारा मेहनत है वो आपका किस रेशियो में होगा, 1:1 के रेशियो में। तो जो प्रॉफिट होगा हम वो भी क्या करेंगे, 1:1 में डिवाइड करेंगे। मतलब आगे आने वाला जो प्रॉफिट होगा वो आपका 1:1 में होगा। रिपीट करता हूँ, सुनो, थोड़ा मैं ज़्यादा बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ रिक्वायरमेंट है। पहले मेहनत जो होता था, पहले जो मेहनत होता था उससे प्रॉफिट हम 3:2 में डिवाइड करते थे। अब जो मेहनत करेंगे वो इक्वली करेंगे, इसलिए प्रॉफिट जो होगा वो इक्वली डिवाइड होगा। ऐसा डिसाइड हो गया, कोई डाउट इसमें नहीं सर? सारे दोनों पार्टनर खुश थे कि ठीक है जी हम ऐसे काम करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे जब ये डिसीजन हो रहा था ना, तो इसी डिसीजन के पीछे एक दिमाग में किसी कोने में एक बात चलने शुरू हुई। सर कौन सी बात, मैं आपको बताता हूं, जरा सुनो ध्यान से, क्या यहां पे क्या बातें हुई। अचानक ही यहां पे एक्स के दिमाग में एक बात खटकी। एक्स जिसको मेरे बच्चे पहले ज्यादा मिलता था वाई के मुकाबले, इस आदमी के दिमाग में एक बात खटकी। वो पता है क्या, एक्स ने कहा कि यार आज के पहले हमारा मेहनत जो होता था हम उससे प्रॉफिट कमा रहे थे, 3:2 में डिवाइड करते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आज के बाद जो मेहनत होगा वो इक्वली होगा, इसलिए जो प्रॉफिट आएगा वो भी हम आपस में इक्वली डिवाइड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ठीक है। लेकिन जरा सोचो ना कि क्या जो हमने पास्ट में जो हमने एफर्ट किया है, जो मेहनत किया है, जो पास्ट में हमने कस्टमर बनाए हैं, जो पास्ट में हमने कस्टमर बनाए हैं, क्या वो कस्टमर फ्यूचर में आएंगे कि नहीं आएंगे? पास्ट में जो हमारे कस्टमर्स बने थे, जिन लोगों ने हमारे साथ काम स्टार्ट किया था, क्या वो कस्टमर फ्यूचर में आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे, बिजनेस है यार, इतना मेहनत किया, खून पसीने लगा के कस्टमर आए, कितना प्रॉपर हमने डीलिंग किया, सब कुछ अच्छे तरीके से काम किया, हमारा लोकेशन अच्छा है, गुड्स की क्वालिटी अच्छी है। तो जो कस्टमर पहले आ चुके हैं वो आगे भी तो आएंगे। जरा सोचो, जो कस्टमर पास्ट में बनाए गए थे, आप बताओ इन कस्टमर पे मेहनत हमारा किस रेशियो में हुआ था, 3:2 में। जो कस्टमर पास्ट में बने थे उन पे मेहनत 3:2 में किया था मेरे बच्चे। लेकिन अब ये कस्टमर जब आगे आएंगे तो जिस पर मेहनत हमारा 3:2 में हुआ था, उसका बेनिफिट जो फ्यूचर में होगा प्रॉफिट के रूप में, वो हम इक्वली डिवाइड करेंगे। अब देखो यहां पे एक डिस्प्यूट दिमाग में आना चाहिए, और ये डिस्प्यूट उस पार्टनर के दिमाग में आएगा जो पहले ज्यादा प्रॉफिट लिया करता था, अब कम लेगा दूसरे के मुकाबले। और ऐसा कौन है, एक्स आपका है, क्योंकि एक्स देखो पहले वाई से ज्यादा मिलता था, अब वो होगा। तो एक्स ने कहा कि यार इसके बाद जो मेहनत आएगा, इसके बाद जो कस्टमर आएंगे उससे हुए प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोचो जरा, इसके पहले जो कस्टमर हमारे बने हैं, जिस पे हमने 3:2 के रेशियो में हमने मेहनत किया था, उसका भी प्रॉफिट जो आगे आएगा हम इक्वली डिवाइड करेंगे, और ये तो गलत होगा। ऐसा एक्स ने कहा। वाई को भी बात जेन्युइन लगी, आपको भी जेन्युइन लगी होगी कि बात तो जेन्युइन है जी, क्योंकि मेहनत हमारा ऐसे था, प्रॉफिट ऐसे। तो फिर उठा कि यार इस झगड़े को कैसे खत्म किया जाए, इस झगड़े को कैसे खत्म किया जाए। मेरे बच्चे इस झगड़े को खत्म करने के लिए यहां पे डिसाइड हुआ कि हम लोग अपने फर्म की गुडविल को हम यहां पे वैल्यू करते हैं, कि हमारी आज गुडविल क्या है। गुडविल का क्या मतलब बताया था मैंने, याद करो आप, गुडविल का मतलब होता है पास्ट में जो हमने मेहनत किया था उसका कितना बेनिफिट अभी और हमें आगे मिलेगा। आप याद कीजिए, ऐसे ना देखो, मैंने समझाया है, गुडविल का मतलब ही होता है कि पास्ट में ऑन एन एवरेज जो हम प्रॉफिट कमाया करते थे वो हमें फ्यूचर में और कितना वो बेनिफिट देके जाएगा। जो पास्ट में हमने मैनेजमेंट किया था उसे फ्यूचर में कितना बेनिफिट मिलेगा, ईयर्स परचेज प्राइस, वही हमारा गुडविल होता है। बताया था ना बच्चे मैंने सर? हाँ। तो इन्होंने क्या किया, जो फर्म की गुडविल वैल्यू किया, सर कौन डिसाइड करेगा, दोनों मिलके, अभी उस चक्कर में नहीं जाना। मान लो वो डिसाइड हुआ कि गुडविल जो हमारे फर्म की है वो 1,00,000 रुपए है, 1,00,000। पर बच्चे इस 1,00,000 का मतलब है
कि जिस 1 लाख रुपए पर हम लोगों ने इस रेशियो में मेहनत किया था, वो आगे जब कस्टमर आएंगे इस साल, उसके अगले कभी भी, तो हमें इसका बेनिफिट हम इक्वली डिवाइड करेंगे और इस 1 लाख पे लेके झगड़े होंगे क्योंकि काम हमने किसी और रेशियो में किया था और प्रॉफिट किसी और रेशियो में लेके जाएंगे। फिर हम क्या करें मेरे बच्चे? अगर मैं इस 1 लाख के हुए, 1 लाख से क्रिएट होने वाले झगड़े को आज खत्म कर दूं तो टेंशन खत्म हो जाएगा। सर कैसे खत्म करेंगे? आओ मैं आपको दिखाता हूं कैसे करेंगे। एक बहुत अच्छा तरीका है, मैं आपको बता रहा हूं। देखो तरीका क्या है, अभी आप लिखना नहीं, मैंने कहा था कि पूरा खत्म होगा जब बोलूंगा तो लिखना है। पार्टनर का नाम लिखो एक्स एंड दूसरा कौन है वाई, आपका वाई। अब मुझे ये बताओ कि 1 लाख रुपए गुडविल जो वैल्यू किया, मतलब जी पास्ट में जो मेहनत किया था इस रेशियो में और जिसका बेनिफिट इस रेशियो में डिवाइड होगा वो 1 लाख रुपए, मुझे बताओ इस 1 लाख रुपए का जो मेहनत है वो किस रेशियो में हुआ था? 3:2। तो अब एक काम करना, इनके बीच में ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड जो पार्टनर्स हैं उनके ओल्ड रेशियो में आप इसे कर देना क्रेडिट। सर क्रेडिट का मतलब अभी तो इतना समझ लो कि क्रेडिट का मतलब हुआ भैया 1 लाख रुपए में आप लोग के जितने जितने हिस्सेदारी बनती है एक्चुअली वो बता दो कितना है। तो 1 लाख में 3/5 कितना हो जाएगा? 60,000। और 1 लाख का 2/5 यानी कि आपका कितना हो जाएगा? 40,000। समझ मेरी बात? मैंने अभी क्या किया, मैं आपको समझा रहा हूँ बच्चे, आप ट्रीटमेंट समझा रहा हूँ। आपका इस चैप्टर में एक ही काम है, सारे झगड़े खत्म करना। पार्टनरशिप के अंदर में जितने झगड़े हो सकते हैं उन सबको खत्म करना, बस यही आपका काम है। मैं उसी प्रोसेस में आपको आगे बढ़ा रहा हूं कि जो 1 लाख रुपए जिसमें हमने पास में मेहनत किया था और 1 लाख जिसका बेनिफिट हम इस रेशियो में आगे डिवाइड करेंगे, मैंने आपसे यहां पूछा कि बताओ कि इस 1 लाख पे हमारी हिस्सेदारी बनती कितनी कितनी है एक्चुअली। तो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो में इसकी हिस्सेदारी बनती है, ओल्ड रेशियो क्या जी? 3:2 आपका, ठीक है। मुझे बताओ अब ये जो 1 लाख रुपए हैं ये फ्यूचर में कौन लेकर जाएगा? सर एक्स एंड वाई। किस रेशियो में लेकर जाएगा? सर 1:1, यही होगा ना बच्चे। अगर मैं झगड़ा आपका खत्म करूं चाहे खत्म ना करूं, ये तो पक्का है कि जब ये प्रॉफिट के रूप में आगे आएंगे तो उस प्रॉफिट को हम इक्वली डिवाइड करेंगे। तो आप क्या करना अब अगले स्टेप में, पहले स्टेप में ही, अब दूसरे स्टेप में कहना कि ये जो 1 लाख रुपए है ये फ्यूचर में जितने भी न्यू पार्टनर्स रह गए, कौन कौन से पार्टनर है? न्यू पार्टनर वही है XY XY, इसमें कोई दिक्कत नहीं, न्यू पार्टनर, और ये आपका न्यू रेशियो में विड्रॉ करेंगे मेरे बच्चे। विड्रॉ मतलब लेकर जाएंगे, विड्रॉ का मतलब यहाँ पे डेबिट करना, मतलब जब पैसा बिजनेस से जाएगा तो आपका इस रेशियो में जाएगा इनके पास, और जब ये आपका हिस्सेदारी है कितना? इतना इतना। तो बताओ 1 लाख में कितना हो गया? 50,000 आपके हो गए, और 50 यहां पे आप, पता है मैं चाहूं ना तो बस 2 मिनट में आपको एंट्री बता दूं, काम खत्म कर दूं, लेकिन वो काम आपको फिर आगे परेशान करेगा, बहुत परेशान करेगा। आज से अगर बातें समझ लिया ना तो आगे सारे चैप्टर बच्चों के खेल बन जाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट यहीं पे है। मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं गुडविल का, ट्रीटमेंट का, जो इसी चैप्टर में नहीं, अभी आगे एडमिशन आएगा, रिटायरमेंट आएगा, डेथ आएगा, डिजोल्यूशन, जो भी चैप्टर आएगा सब जगह यही कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाएगा। और आपके 12वीं क्लास में नहीं, आप बीकॉम करेंगे, सीएससी में, सब जगह यही फॉलो किया जाएगा बच्चे, वही कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूं। तो जरा सुनो यहां पे क्या निकल गया, ये देखो मैं क्या बता रहा हूं। पता मैंने क्या किया, पहले मैं, मुझे एक तो पहले ध्यान रखना मैं झगड़े खत्म कर रहा हूं, झगड़े खत्म। मैंने एक्स वाई को कहा पहले कि देखो जी आप लोग इसको ओल्ड रेशियो में कमाए हो, मतलब 3:2 में, तो 60 आपका बनता है, 40 आपका बनता है, लेकिन रेशियो के चेंज होने के चलते में फ्यूचर में आप इस रेशियो में इसको आपके अकाउंट में मिलेगा, विड्रॉ करोगे 50 आप 50 क्योंकि रेशियो इक्वली हो गया, न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, देखो झगड़ा कैसे खत्म करूंगा, सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो। यहां देखो, यहां देखो, मुझे बताओ एक्स का खून पसीना कितने का है? 60,000। एक्स ने इस 1 लाख में जो मेहनत किया कितना किया? 60,000 रुपये, 60,000, 60,000 उसका मेहनत है, लेकिन बताओ 60,000 के बदले में वो फ्यूचर में कितना लेगा? 50,000, है ना बच्चे? 60 मेरा था लेकिन मैं तो सिर्फ 50 ही लूंगा अब, क्योंकि अब रेशियो चेंज हो गया। जरा बताओ एक्स को जिसका, जिसने जो मेहनत किया था मेरे बच्चे 60,000 का था, वो 60,000 के बदले
रेशियो के चेंज होने के चलते अब उसको 50 मिलेगा। तो बताओ कि एक्स को फ्यूचर में सुखी होना है कि दुख होना है? बताओ एक्स को फ्यूचर में खुशी होगा कि दुख होगा? सर दुख होगा, सर दुख होगा। कॉमन सेंस है कि जहां पे बेचारे ने 60,000 का मेहनत किया था और अगर आप फ्यूचर में 50 मिलेगा तो सर इसको 10,000 कम मिलने का दुख होगा फ्यूचर में। क्या करूं मैं, कैसे झगड़ा खत्म करूं? बोलो बोलो कैसे खत्म करूं? तो मैंने कहा कि यार जितना इनको फ्यूचर में दुख होने वाला है, कितना, 10,000, आज आप उनको उतना और दे दो, बस झगड़े खत्म। आप उनको समझा देना, आप समझा देना कि देखो जी 60 में 50 तो आगे मिल ही जाएगा, इस रेशियो में आपको 10,000 रुपये कम हो रहे हैं, कोई बात नहीं, आज मैं आपको देने को तैयार हूं। फर्म इनको 10,000 ऐड कर देगी, इनके अकाउंट में ऐड कर देगी, दे देगी बच्चे। यहां देखो इनका इनका मेहनत 40 का था पास्ट में, लेकिन रेशियो के चेंज होने के बाद अब इनको पूरे 50 मिलेंगे। इनको 10,000 रुपये 10,000 बैठे बैठे गेन हो रहा है फ्यूचर में। तो बिना मेहनत किए बगैर जो 10,000 आपको मिलने वाला, वो पैसा मैं आपसे ले लूंगा। मतलब आपको कहूंगा कि भैया आपका तो सिर्फ 40 बनता है, आप फ्यूचर में 50 लोगे, तो एक काम करो 10,000 आप हमें अभी दे दो, 10,000 दे दो। मेरे बच्चे इनका 40 था, इनको फ्यूचर में 50 मिलेगा, अगर आपको 50 आगे मिलेगा 10 अभी दे दो, अल्टीमेटली कितना रह जाएगा, 40,000। यानी कि अगर हमें झगड़े खत्म करने हैं तो वाई के अकाउंट से 10,000 निकालने पड़ेंगे और एक्स को 10,000 देने पड़ेंगे। वाई के अकाउंट से निकालने पड़ेंगे और एक्स को देने पड़ेंगे, तब जाके झगड़ा खत्म होगा। मेरे बच्चे इसी को एंट्री में कन्वर्ट कर दो, आपका ट्रीटमेंट हो गया। देखो जरा एग्जाम में आपसे पूछेगा कि आप यहाँ पे जर्नल एंट्री करो इसका, गुडविल का ट्रीटमेंट का आपका, तो एंट्री क्या करूँगा? ये देखो वाई के अकाउंट को कम करना है, कैपिटल अकाउंट को कम करना डेबिट किया जाता है, पढ़ा है आपने बचपन से। अगर आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपको जर्नल एंट्री पास करने में दिक्कत आती है, और मेरे बच्चे अगर आपने मुझसे पढ़ाई नहीं किया 11th क्लास में, तो आप मुझे एक फ़ोन कर देना या मेरे ऑफिस में फ़ोन कर देना, आप उनको बोल देना कि मैं 12th क्लास का बच्चा हूँ लेकिन मेरा अकाउंट्स में एंट्री कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक है, आप मुझे जनरल एंट्री की क्लास दे दीजिए, वो क्लास मैं आपको दिला दूंगा, कोई चार्ज भी आपके नहीं होंगे, आप उसको पढ़ लो ताकि एंट्री करने का कॉन्सेप्ट और आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए। और अगर आपने 11th क्लास से मेरे साथ पढ़ा फिर तो कोई टेंशन नहीं आपको, नहीं है, है ना? ये तो बातें बताया है कि वाई का कैपिटल कम करना बच्चे, माइनस करना, हमें डेबिट करना होगा, तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, वाइज कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और ये कितने से, 10,000 से, 10,000। और मेरे बच्चे ये हम क्या करेंगे जी, एक्स को देंगे, ये हम एक्स को देंगे क्योंकि एक्स में ऐड करना है, तो कैपिटल का बढ़ना क्रिएट किया जाता है, 2x कैपिटल अकाउंट। लीजिए हमारा झगड़ा खत्म हो गया, आपका यहाँ पे क्या, वाई 2x कैपिटल अकाउंट, झगड़ा खत्म हो गया। हमने जो 1,00,000, मेरे बच्चे थोड़ा सा दोबारा सुन लो शॉर्ट में मैं क्या बता रहा हूँ, जिस 1,00,000 रुपये को हमने पास्ट में कमाया था 3:2 में और उसका बेनिफिट हमें इक्वली मिलेगा, उस 1,00,000 से होने वाले झगड़े को ख़त्म किया। हमने कहा ये 1,00,000 ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो को दिया जाएगा, आपका देने का मतलब कि उनके अकाउंट में ऐड किया जाएगा, क्रेडिट का मतलब कि अकाउंट को बढ़ाना, क्रेडिट का मतलब क्या होता है जी, अकाउंट में ऐड करना। तो आपने क्या किया, 60-40 कर दिया। फ्यूचर में आप डेबिट मतलब जो लेकर जाओगे, बिजनेस से लेकर जाओगे, वो इक्वली लेकर जाओगे, ऊपर में क्रेडिट, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में क्रेडिट, न्यू पार्टनर्स न्यू में रेशियो में डेबिट, जो इंपैक्ट आएगा उस हम एंट्री कर लेंगे, एंट्री हो गया। अगर आपको जनरल एंट्री नहीं आती और आपको जनरल एंट्री मुझसे पढ़ने का मन नहीं करता कि नहीं सर हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, अब हम 12th क्लास के बच्चे हैं, हम एंट्री दोबारा क्यों पढ़ें, तो आपको एक और सिंपल तरीका बता देता हूँ एंट्री करने का, एक और सिंपल। यहाँ देखो आपको जो अच्छा लगे वैसे करो ना, अगर आपको एंट्री बनाना नहीं सीखा तो ऐसे कर लो। यहाँ देखो, यहाँ देखो, नज़र यहाँ, नज़र यहाँ, नज़र यहाँ, एक्स को हमने 60,000 क्रेडिट किया है और एक्स को डेबिट किया है 50, बताओ बड़ा कौन सा है, क्रेडिट या डेबिट? एक्स का बड़ा कौन सा है? सर क्रेडिट। तो अगर बड़ा क्रेडिट है ना, तो आप कह देना कि भैया लिख दे तो यहाँ पे क्रेडिट, मतलब जो नेट होगा वही करूँगा, अगर क्रेडिट बड़ा होगा तो क्रेडिट करूँगा,
यहाँ देखो जरा, इनका क्रेडिट 40 है, डेबिट 50 है, बड़ा कौन सा है? डेबिट, तो मैं आपको डेबिट करूँगा। लो, आपको अगर कहते हो कि सर मैं क्यों 11वीं क्लास दोबारा पढ़ूँ, तो फिर ऐसे कर लो, है ना, हमने क्या किया जी, आपको डेबिट किया, डेबिट कर दिया, हमने आपको क्रेडिट किया, क्रेडिट कर दिया, आंसर हो गया, पूरी बात खत्म। इस बात को समझाने के लिए, पता नहीं आपको नहीं पता भी, छोटे बच्चे हैं, हम लोग कितनी मेहनत करते हैं अपने सीए वाले, सीएमए वाले, सीएस वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको ये बात पता नहीं होता, वो पता नहीं 12th क्लास में क्या क्या पढ़ के आते हैं, गंदी गंदी बातें, बहुत गंदी गंदी, और उनको हमें उस गंदगी से निकालना पड़ता है। लेकिन ऐसा आपके साथ नहीं होगा, आप सारी बातें एक बात और सुन लो, कुछ जो महारथी है ना, बड़े बड़े लोग, कुछ सीए सीएमए सीएस, वो इसको एक और भी नाम से जानते हैं, वो कहते हैं इसको हम टेबल एंट्री कहेंगे, इसको टेबल एंट्री कहा जाता है मेरे बच्चे, इसको हम एक और भी नाम से जानते हैं, हम इसको एडजस्टमेंट एंट्री के नाम से भी जानते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब होता है एडजस्ट कर देना झगड़े को, झगड़े को खत्म कर देना, तो टेबल एंट्री कह दे, एडजस्टमेंट एंट्री कह दे, चाहे जल एंट्री कह दे, मीनिंग सेम निकल के आएगा, काम आपका पूरा हुआ। हो, काम खत्म हो गया आपका यहां पे, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन और कराना है, मुझे एक क्वेश्चन और कराना है, और मैं आपको बुक में ही अब लेकर आना पसंद करूंगा, आपको मजा आएगा, आपको मैं बुक में लेकर आऊंगा, आपको मजा आएगा, आप कहो तो मैं इसको हटा दूं। सर, हाँ सर, सर सर इसका ये ऐसे ही चलेगा, हाँ बच्चे, बट इसको मैं ना बाद में क्या करूँगा, एक फॉर्मूला में चेंज कर दूंगा, सिंपल फॉर्मूला, जहाँ पे आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज हम कॉन्सेप्ट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो हम बातों को समझते हुए करेंगे, कल ऐसा नहीं होगा, कल मतलब आगे मैं क्या करूँगा, इसको एक शॉर्टकट तरीका आपको दे दूंगा, आप उसमें काम कर लेना, लेकिन आज कोई शॉर्टकट नहीं है, आज तो हमें दुनिया से बस आगे निकलना है, बस आगे। क्वेश्चन नंबर टू, आप आइए जरा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर टू, पता है इतने मेहनत जितना मैं आपके साथ करता हूँ ना, कसम से झूठ नहीं बोल रहा, मैं अपने सीए सीएमए सीएस वाले बच्चों के साथ इतना मेहनत नहीं करता, नहीं करता मैं उनको, बट पता नहीं आपके साथ कौन सा मेरा लगाव है कि मैं एक एक बात को आपको सोने की तरह से समझा रहा हूँ। सोना समझता है, वो सोना नहीं, वो जो महंगा होता है सोना, जो हम हाथ पैर में पहनते हैं, हीरा बनाना है मुझे आपको, हीरा। सर सोना पहन के कैसे बन जाएंगे? बनाऊंगा ना, बस छोड़ो ना आप उसको, आप जरा आ जाओ बुकलेट का क्वेश्चन नंबर टू का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर टू पे आप आइए, आप चेक कीजिए मेरे साथ बुक का क्वेश्चन नंबर टू, वन किया था अभी, क्वेश्चन नंबर टू पे आप आओ जरा, टू पे जल्दी से। टू कहता है कि आपका ए बी शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, कहता है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2018, मैं इसको सही कर दूं, एक मेरे लैपटॉप में मिस प्रिंटिंग है बच्चे, बुक जो आपके पास जाएगी सही जाएगी, आपको टेंशन नहीं करना। तो ये 1st April कहता है 2018, सेव कर लूँ मैं इसको, ठीक है, ये मेरा साथी है, मैं क्या करूँ, इसी को देखता हूँ, तो बस इसी से बात करते रहता हूँ मैं अपने लैपटॉप से। तो कहता है कि आपका क्वेश्चन नंबर टू में रेशियो 3:2 है 1st April 2018 से, दे अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। मेरे बच्चे ये देखो आप, ये रहा आपका टाइम पीरियड, दो पार्टनर कौन कौन थे पहले से आपका, क्या नाम है पार्टनर्स का, ए एन बी, ये पास्ट में दो पार्टनर ए बी थे, रेशियो था इनका 3:2। कहता है कि यहाँ 1st April 2018 को यहाँ से उन्होंने डिसाइड किया है, 1st April था ना सर, हाँ, कि भैया अब आने वाले फ्यूचर में हमारा जो रेशियो होगा वो आपका 1:1 का होगा, यानी कि ए बी का रेशियो आपका ये होगा। मेरे बच्चे पास्ट में जो हमने मेहनत किया था, जिसका बेनिफिट फ्यूचर में आएगा, वो जिसको हम गुडविल के नाम से जानते हैं, इससे आगे झगड़ा हो सकता है। आज हमने कितना वैल्यू किया, 30,000, क्वेश्चन में चेक करो आप क्या बता रहा है कि आपका गुडविल वैल्यू क्या है, 30। मैं रिपीट कर रहा हूँ, गुडविल का मतलब इस चैप्टर में कि जो मेहनत हमने 3:2 में किया था और उसका बेनिफिट हमें जो आगे मिलेगा और 1:1 में डिवाइड करेगा, वो 30,000 रुपये का अमाउंट है। हमें इस झगड़े को ख़त्म करना है, और इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, जरा सुनना मेरी बात, झगड़े को ख़त्म करने के लिए क्या नाम है पार्टनर्स का, ए एंड बी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पार्टनर्स का नाम लिखा ए और दूसरा यहाँ पे बी आपका, ऐसे लिख लो। मुझे बताओ इस 30,000 को हम लोगों ने किस रेशियो में कमाया था, 3:2। तो जिस रेशियो में कमाया था, आप ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में आप कर दो क्रेडिट,
क्रेड का मतलब होता है सीआर शॉर्ट में, क्रेड का मतलब होता है कि आपने किस किस रेशियो में कमाया था। 33:2 यानी कि आपका आ गया 18,000 और आपका आ गया 12,000, इतना इतना हमने कमाया था। लेकिन मेरे बच्चे इस 30,000 को रेशियो के चेंज होने के चलते फ्यूचर में जो भी न्यू पार्टनर्स रह जाएंगे, सर न्यू पार्टनर्स कौन है, वही ए बी, अभी तो ए बी है, बाद में देखेंगे न्यू पार्टनर्स, और हम न्यू रेशियो में इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। पहली बार क्रेडिट, दूसरी बार डेबिट। जरा बताओ 30 को कितना कितना हो जाएगा, 15,000 एंड 15,000। सर एग्जाम में भूल गए तो कि पहले कौन सा बाद में क्या, कैसे भूल जाओगे। क्रेडिट का मतलब कि भैया जितना जितना हमारा बनता है, डेबिट मतलब जितना जितना हम लेकर जाएंगे। और दूसरा तरीका देख लो, और दूसरा, बहुत बदमाश हो अगर आप भूल गए तो आपको सी डी तो याद रहेगा, सी डी, अरे सी डी, पहले सी आता है अल्फाबेट में, फिर डी आता है, तो पहले सी यानी कि पहले क्रेडिट करेंगे, फिर डी यानी कि डेबिट करेंगे, सी डी ये याद कर लो, कुछ भी कर लो, सिर्फ बताओ कॉन्सेप्ट वाइज। अभी यहाँ पे नजर, अभी कॉन्सेप्ट ए का हिस्सा था कितना 18, लेकिन फ्यूचर में मिलेगा कितना 15। इसको लॉस होगा ना सर, हाँ, रोएगा ना सर, हाँ, आज इसको हंसा दो, यानी कि इसको 3,000 आप दे दो, कहना कि 18 आपका है, 15,000 तो बाद में मिल ही जाएगा, 3,000 और लो, आपका 18 हो गया। इनको कहना कि भैया आपका 12 है, आप 15 लोगे तो फ्यूचर में आपको गेन होगा, उतना 3,000 दे दो, क्योंकि आपने उस पर कोई मेहनत नहीं किया है, वो आपका कोई मेहनत नहीं, आप वो दे दो ताकि हम इनको दे दें। तो मेरे बच्चे यहाँ पे क्या होगा, बी के अकाउंट से माइनस कर रहे हैं, तो जब हम एंट्री पास करेंगे, जनरल एंट्री कह दे, टेबल एंट्री कह दे, एडजस्टमेंट एंट्री कह दे, तो बीज कैपिटल अकाउंट को हम यहाँ से डेबिट करेंगे। बीज कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा 3,000, और ये आपका किसको दे दिया जाएगा जी, ए को, एज कैपिटल अकाउंट को, एज कैपिटल अकाउंट को आपने 3,000 दे दिया, हो गई एंट्री। और अगर आपको प्लस माइनस नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, आप बताओ इनका क्रेडिट बढ़ा है ना तो हम इसको क्रेडिट करेंगे, इनका डेबिट बढ़ा है नीचे वाला तो इनको डेबिट करेंगे, तो हमने बी को डेबिट किया, ए को क्रेडिट किया, हो गई बात। अब तो समझ में आया होगा, अरे अब तो बातें समझ में आई होंगी, अब तो बातें समझ में आई होंगी सर, हाँ सर, सर अब समझ में आ गया, बोलो ना सर क्या करना है। कुछ नहीं मेरे बच्चे, आपको कुछ नहीं करना, बस एक क्वेश्चन भी नहीं देता मैं, ना 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 ना, वो भी नहीं दूंगा आपसे, एक बस एक समझ लो कि आपके गुरु के रूप में एक आपसे मैं चीज़ मांगता हूँ कि आप अगली क्लास में जब आएंगे तो प्रॉपर तरीके से पूरा रिवीजन करके एक बार नोट्स पूरा पलट लेंगे, गुडविल का एवोल्यूशन क्या था, उनका ट्रीटमेंट क्या क्या अभी तक किया, रेशियो पे क्या किया, ताकि अगली क्लास में बहुत स्मूथ वे में चलें, और हमें इसको भी सिंपल वे में और समझाना है। आज कॉन्सेप्ट भी बात किया, कुछ और बातें अगली बार करूँगा, आज की क्लास यहीं पर रोकता हूँ, अगली क्लास जब मिलूंगा इसके आगे बात करने के लिए, तब तक आप सारे बच्चों को, सारे प्यारे प्यारे बच्चों को बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, थैंक यू बच्चों।